सारे मिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो हम आगे बढ़कर आपसे मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। अगर अमित शाह के खिलाफ नारा लगाएंगे तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताजा फटाफट खबरें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी CAA NRC का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं, मोदी सरकार की मुश्किलें बड़ी, नागरिकता संशोधन कानून और भारत में मुस्लिम धार्मिक आज़ादी के हालात खराब होने को लेकर अमरीकी एजेंसी ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अमरीकी आयोग USCIRF ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत में धार्मिक उत्पीड़न के मामलों में बढ़ोतरी दिखाई गई है, साथ ही नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। इस रिपोर्ट में भारत को Tier 2 की श्रेणी में रखा है जो कि विशेष चिंता का देश वाली श्रेणी है। वहीं USCIRF की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2018 के बाद भारत में मुस्लिम धार्मिक उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, कुछ राज्यों में धार्मिक स्वतंत्रता की बिगड़ती परिस्थितियों को उजागर किया गया है लेकिन सरकारें इन्हें रोकने का प्रयास नहीं कर रही हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपद्रवों को कम करने वाले बयान नहीं दिए, उनकी पार्टी के नेताओं ने हिंदू चरमपंथी के संगठनों से संबंध रहा, इन्हीं नेताओं ने भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के जरिए अमरीकी सरकार ने भारत सरकार के आगे कुछ सिफारिश रखी हैं जिसमें भड़काऊ भाषण देने वालों को कड़ी फटकार लगाना, पुलिस को मजबूत किया जाए ताकि एक्शन लिया जाए और पूजा स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। तो कई घटनाओं का जिक्र करते हुए अमरीकी आयोग ने मोदी सरकार को तमाचा जड़ा है, कहा है कि भारत में मुस्लिम धार्मिक आज़ादी के हालात खराब हैं। अगली खबर की ओर बात करते हैं, बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले आरोपियों को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाने पर भड़के ओवैसी। ओवैसी ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को गिराने को राष्ट्र के लिए शर्मनाक बताया था, ये नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार द्वारा बनाई गई एक बॉडी तैयार करती है और उसका अध्यक्ष उनको चुनती है जो बाबरी मस्जिद को तोड़ने के आरोपी हैं। नए भारत में स्वागत है जहां मुजरिमों को इनाम दिया जाता है। वहीं मैं आपको बता दूं, राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नीरतन गोपाल दास अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष और BHP उपाध्यक्ष चंपत राय को महासचिव चुना गया है जिन्हें CBI ने 2018 में बाबरी मस्जिद गिराने के आरोप में जिम्मेदार ठहराया था। कहा था कि इन लोगों ने ही जो है बाबरी मस्जिद को तुड़वाया है, तो उन्हीं को अब जो है राम मंदिर ट्रस्ट यानी राम मंदिर बनवाने के लिए अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं, मुंबई के कोर्ट ने वोटर ID को माना नागरिकता का सबूत, अवैध बांग्लादेशी बताए गए 2 मुस्लिमों को किया बरी। भाई मैं आपको बता दूं, नागरिकता संशोधन कानून CAA और NRC पर विवाद के बीच आज मुंबई कोर्ट ने वोटर ID कार्ड को नागरिकता का सबूत माना है। कोर्ट ने इस आधार पर अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम बताए गए 2 लोगों को बरी करने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वोटर ID किसी की नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है। मामले की सुनवाई मुंबई के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुई। मुंबई पुलिस ने अब्बास शेख और राबिया खातून को 2017 में अवैध बांग्लादेशी बताया था जिसके बाद उन्हें जो है कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में उन्होंने वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड ऐसे प्रमाण पत्र को शामिल किया जिसके बाद कोर्ट ने जो है वोटर आईडी कार्ड को भारतीय नागरिकता का सबूत मानते हुए उन्हें बरी कर दिया और कहा कि ये भारतीय लोग हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस मामले पर पैन कार्ड, बैंक और जो है जमीन की रसीद तलक को भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना, लेकिन मुंबई कोर्ट ने साफ कह दिया अगर आपका वोटर आईडी कार्ड है तो आप भारतीय नागरिक हो, आपको और कुछ लाने की जरूरत नहीं है। अगली खबर की ओर बात करते हैं, राम मंदिर निर्माण के ट्रस्ट के ऐलान के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद
निर्माण के लिए ट्रस्ट का किया ऐलान, 24 फरवरी को होगी बैठक। वहीं इस ट्रस्ट का नाम इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन रखा गया है। वहीं मैं आपको बता दूं, ट्रस्ट में कुल 7 सदस्य होंगे। सुन्नी वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष ही इसका मुख्य अध्यक्ष होगा। अभी सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी हैं। इस ट्रस्ट का काम कोर्ट के आदेश पर मिली 5 एकड़ जमीन पर अस्पताल, विद्यालय, इस्लामिक कल्चर एक्टिविटीज को बढ़ावा देने वाले इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, पब्लिक यूटिलिटी बनाने से लेकर दूसरी तरह की सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। मस्जिद ट्रस्ट में भारत और विदेश के इस्लामिक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए क्रियाकलापों को किया जाएगा। भाई मैं आपको बता दूं, इस ट्रस्ट के जरिए सुन्नी वक्फ बोर्ड भारत में दोनों हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच भाईचारे का भी संदेश देगा। तो ये है राम मंदिर ट्रस्ट के ऐलान के बाद बाबरी मस्जिद ट्रस्ट का जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ऐलान किया है। 24 को बैठक होगी, उस पर जो है मस्जिद के साथ साथ विद्यालय और जो है इस्लामिक स्कूल भी बनाएगा सुन्नी वक्फ बोर्ड। तो ये काफ़ी अच्छी खबर और काफ़ी बड़ी खबर है। अगली खबर की ओर बात करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की फटकार के बाद भी योगी सरकार नहीं मान रही। आज फिर से कांग्रेस नेता और रिटायर IPS समेत 28 लोगों को नखलऊ प्रशासन का नोटिस। CAA विरोध के दौरान 63 लाख के नुकसान की भरपाई करने का आदेश। भाई मैं आपको बता दूं, 19 दिसंबर को नखलऊ के हसरतगंज इलाके में परिवर्तन चौराहे पर CAA के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने को लेकर जो नोटिस जारी किया है, जिसमें 28 लोगों से योगी सरकार ने 63 लाख नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया है। वहीं ये रकम इन्हें कुल 30 दिनों के अंदर राशि जो है सरकारी खजाने में जमा करनी है। लेकिन इन जिन लोगों के इसमें नाम लिए गए हैं, उन्होंने साफ तरह से कहा है कि हम हिंसा में शामिल नहीं थे। जब ये हिंसा हुई थी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें अरेस्ट करवा दिया था और हम नज़रबंद थे, लेकिन फिर भी योगी सरकार हम पे ज़बरदस्ती ये इल्ज़ाम लगा रही है और पैसा वसूल रही है क्योंकि हम मुसलमान हैं। अगली खबर की ओर बात करते हैं। हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई फटकार, कहा नाम रखने से एयरपोर्ट इंटरनेशनल नहीं बन जाता। वहीं पुराने एयरपोर्ट और नए टर्मिनल पर करीब 2000 करोड़ खर्च करने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ना होने पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि केवल नाम रख लेने से एयरपोर्ट इंटरनेशनल नहीं होता, इसके लिए इंटरनेशनल उड़ानें भी होनी चाहिए। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई पर केंद्र सरकार को सभी लंबित कामों और उनका पूरा करने की डेडलाइन सौंपने के आदेश दिए हैं। CAT-3 पर केंद्र सरकार पलट गई है। उसने कहा है कि CAT-3 समय में नहीं लग सकता। सुनवाई आरंभ होते ही याचिकाकर्ताएं संस्था मोहाली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि दिल्ली की एक बड़ी लाबी चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चलाने नहीं देना चाहती है। इसके पीछे कारण उनके व्यवसाय पर बुरा प्रभाव होना है। दिल्ली से इंटरनेशनल फ्लाइट लेने वाले सबसे ज़्यादा यात्री पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा और जम्मू कश्मीर से होते हैं। अगर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो जाए तो यहाँ के लोगों को दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसको लेकर कोर्ट ने आज मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। अगली खबर की ओर बात करते हैं। आजम खान की जौहर अली यूनिवर्सिटी पर आज चला बिल्डोजर, 3 जगह से दीवार तोड़कर बनाया गया रास्ता। आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर चक्रोट की जमीन के मामले में आज प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी पर 3 जगह JCP चलाकर जगह को तोड़वा दिया है। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के प्रबंधक को पहले ही आदेश दे दिया था कि 3 भवन भी चक्रोट की जमीन पर आ रहे हैं, इनको 3 दिन के अंदर हटवा ले, अन्यथा इनको भी नियम अनुसार कार्रवाई करके तोड़वा दिया जाएगा। भाई मैं आपको बता दूँ, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की विनियमन के आधार पर चक्रोट की जमीन ली गई थी। इसके लिए 24 जुलाई 2012 को SDM टांडा के समक्ष बात दायर किया गया था। SDM टांडा ने 23 दिसंबर 2012 को सामुदायिक उपयोग की लगभग 17 बीघा भूमि विनिमय की अनुमति देकर उसे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को
निर्माण के लिए ट्रस्ट को दे दी थी, जिसके बाद अब योगी सरकार आई और उसने जो है काफ़ी इस पर शिकंजे कसे और आज जो है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़वा दिया और अब उस पर रोड निकाल दिया है। आगे आगे देखते हैं क्या करती है योगी सरकार इस यूनिवर्सिटी का।